गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम हिंदी वन का पार्ट 26 पढ़ रहे हैं, दानों का बगीचा। दानों का अर्थ होता है राक्षस, बगीचा का अर्थ आप जानते हो, कलम उपवन है, बाग है, बगिया है, उस तरह से। अब हम पाठ पढ़ते हैं। बच्चों के हंसने खेलने से फूल खिलते हैं, बागों में बहार आ जाती है, फूलों से लदी डालियाँ नीचे की ओर झुक जाती हैं। मतलब जहाँ बच्चे खेलते कूदते हैं वहाँ पर बहुत अच्छा माहौल हो जाता है, फूल खिलने लगते हैं, बाहर आने लगती है और फूलों से लदी डालियाँ, मतलब अगर फूल खिले होंगे उस डाली पर वो भारी हो जाएगी तो वो नीचे झुक जाती है। इस बात का पता एक दानों को तब लगता है जब उसने अपने बाग में खेलते बच्चों को भगा दिया। मतलब उस दानों ने क्या किया, उसके बाग में बच्चे खेल रहे होंगे तो उसने उसे भगा दिया। दानों का एक बड़ा सुंदर बगीचा था जिसमें फलों वाले वृक्ष थे, आड़ू आलूचे और अनार के कई फूलों के पौधे भी थे। उसमें रंग बिरंगी लाल गुलाबी सफ़ेद फूल खिलते थे। मतलब दानों का एक सुंदर बगीचा था और वहाँ पर बहुत सारे फलों के और फूलों के पेड़ थे, पौधे थे। मौसम आने पर वृक्षों की डालियाँ फल फूलों से लग जाती थी, पूरे बाग में हरियाली और नरम नरम घास उगी हुई थी। मतलब बहुत सुंदर बगीचा था, वहाँ पर बहुत अच्छे से फल आते थे, फूल आते थे, नरम नरम घास थी, वृक्षों की डालियों पर चिड़िया कलरव करती थी। इस सुंदर बाग के आसपास बच्चे खेलने आ जाते थे। मतलब उस बाग में क्या था, आप लोग भी जाते हो ना, जहाँ पे सुंदर अच्छा सा कोई गार्डन होता है तो आप लोग भी खेलने जाते हो, उसी तरह से वहाँ छोटे छोटे बच्चे खेलने आ जाते थे। कुछ समय के लिए दानव अपने मित्र के यहाँ गया हुआ था। कई दिनों बाद जब वो वापस लौटा तो उसने बाग में खेलते हुए बच्चे दिखाई दिए। मतलब वो अपने दोस्त के यहाँ गया था और जब वो आया तो उसने देखा कि उसके बाग में, उसके बगीचे में छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं। वह ज़ोर से चिल्लाया, भाग जाओ यहाँ से, इस बाग में कभी मत आना, यह मेरा बाग है। उसने उन्हें क्या कहा कि इस यहाँ से भाग जाओ और इस बाग में कभी मत आना, यह मेरा बाग है और इसके फल मैं ही खाऊंगा, कोई और नहीं खा सकता। मतलब उसने बच्चों को डांटा। दानों का डरावना रूप देखकर बाग में खेलने वाले बच्चे सहम गए, मतलब डर गए। वह दानों का जोर से चिल्लाना सुनकर बच्चे बाग से बाहर भाग गए। दानों ने बाग में चारों ओर ऊंची दीवार उठवा दी। उसने क्या किया, बच्चे आएंगे खेलेंगे इसलिए उसने क्या किया, बाग के चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें बनवा दी। एक बड़ा फाटक बनवाया, फाटक के ऊपर एक तख्ती टांग दी जिस पर लिखा था अंदर आना मना है। बेचारे नन्हे मुन्ने बच्चे अब दानों के बाग में नहीं खेलते थे, वे धूल भरी सड़कों पर खेलने के लिए विवश हो गए। विवश होना मतलब मजबूर हो गए। वे बाग की शीतल छाया में हंसते मुस्कुराते फूल डालियों फुदकते पक्षियों सुरीले संगीत से वंचित हो गए थे। मतलब वो बहुत, उनको उस बाग में बगीचे में खेलना बहुत अच्छा लगता था, फूल थे, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर पक्षी थे, तो पर अब उनसे वंचित हो गए थे। मतलब उनसे, उन्हें वह चीज़ वह मिल नहीं रही थी, उनके चेहरे अब उदास रहने लगे थे। कुछ दिनों बाद जब बसंत ऋतु आई, दूर दूर तक बागों में वनों में सुगंधित फूल खिलने लगे, नई नई कोपले निकल आई, कलियाँ चटकने लगी, बसंती हवाओं से फूल की खुशबू आने लगी। मतलब कुछ दिनों बाद जब बसंत ऋतु आई तो दूर दूर तक बागों में वन और सभी जगह पर, मतलब बसंत ऋतु के आने से नए नए फूल खिलने लगे और नए नए फल आने लगे और बसंती हवा चलने लगी। जैसे अभी बसंत का मौसम चल रहा है ना, बसंत पंचमी आई थी और बसंत का मौसम चल रहा है, इस मौसम में ना तो ज़्यादा सर्दी होती है ना गर्मी होती है और मौसम बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे बसंत ऋतु का आगमन हुआ। अब क्या हुआ, कोई भी पक्षी, लेकिन बसंत ऋतु का आगमन होने पर भी एक दिन दानों जब अपने बगीचे में गया तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि सभी पेड़ पौधे ठूठ उदास खड़े थे। मतलब सभी पेड़ पौधे जो थे वो बिल्कुल ठूठ की तरह थे, मतलब उन पर न तो कोई पत्तियाँ थी नहीं और न ही कोई फूल थे, फूल कलियों की तो बात दूर, उसमें हरियाली भी नहीं रह गई थी। कोई भी पक्षी उस बगीचे में नहीं आता था। अब बगीचे की हालत देखकर दानव उदास हुआ। वह सोचने लगा, दूर दूर तक बसंत का मौसम है, अपना रंग दिखा रहा है। मतलब उसने सोचा कि सब जगह तो बसंत ऋतु आई हुई है, सब फल फूल रहे हैं, पर मेरे बगीचे में हरियाली भी नहीं है, और वह उदास हो गया। वनों और बागों में पक्षी चहक रहे हैं किंतु मेरे बगीचे का हाल इतना खस्ता क्यों है, न कोई फूल है, न कोई कली, न कोई कोपल निकली है, यह सोचता हुआ दानव घर चला गया। थोड़े दिन बाद जब वह सूर्योदय के समय अपने घर की खिड़की पर एक पक्षी बैठा दिखाई दिया, उसके मधुर संगीत ने दानव का मन मोह लिया।
थोड़े दिन बाद क्या हुआ कि उसकी खिड़की पर एक पक्षी बैठा था जो अच्छा सुरीला गा रहा था। उसको देखकर उस दानों को बहुत अच्छा लगा, वो तुरंत उठा और बगीचे में गया। उसने देखा दीवार में एक बड़ा सा छेद हुआ है और कई बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं। पेड़ों की डालियाँ झूम रही है, फूल खिल रहे हैं, बगीचे में बसंत की बहार आ गई है। मतलब जब उसने देखा कि अंदर बच्चे खेल रहे हैं और बसंत की बहार भी आ गई है, फल फूल हो खिल रहे हैं, पेड़ पौधे लहलहा रहे हैं, तो उसे बहुत आश्चर्य भी हुआ। उसकी दृष्टि एक पेड़ के नीचे खड़े रोते हुए बच्चे पर पड़ी, बच्चे पर पड़ी। वह रो रहा था, रो ही रहा था बच्चा। तो उसने वह उठाया, वह हाथ उठा उठाकर उस डाली, पेड़ की डाली से फूल तोड़ना चाहता था, किंतु डाली तक उसका हाथ नहीं पहुंच पा रहा था। दानव लपक कर उस बच्चे के पास गया, उसे गोद में उठा लिया और प्यार से पुचकारने लगा, मतलब उसे प्यार करने लगा बच्चा। और बाद में डाली का फूल तोड़कर उसके हाथ में थमा दिया। बच्चा भाव विभोर हो गया, मतलब बहुत खुश हुआ और उसने दानों को गले से लगा लिया। बगीचे में हंसते खेलते बच्चों ने जब दृश्य देखा तो दानव नन्हे बच्चे को प्यार कर रहा है, तो बच्चा उसके गले से लिपट रहा है, मुस्कुरा रहा है, तो वे भी दौड़कर उसके पास आ गए। दानव बच्चों के साथ बसंत को आता दिखाई दानों को बच्चों के साथ बसंत आता दिखाई दिया। वह खुशी से झूम झूम कर बच्चों के साथ नाचने गाने लगा। उसे विश्वास हो गया कि बच्चों के आने से ही उसके बगीचे में बसंत और बहार आई है। उसने कुदाल लेकर बगीचे की दीवार अपने हाथों से तोड़ दी। मतलब उसे विश्वास हो गया कि बच्चे अगर रहेंगे तो ही मेरा बगीचा हरा भरा रहेगा। अब आपको इस पाठ के शब्दार्थ लिखने हैं, इस पाठ का बुक वर्क करना है और अच्छे से लर्न करना है।